जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर माहिर, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अच्छे दिन गुजर रहे होंगे आप लोगों के। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को लेके चीज़ों में आप अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होंगे। तो ओवरऑल जो हमारा ये आज का सेशन है, कोशिश करेंगे कि मार्केट को हल्का फुल्का सा डिस्कस करें कि ओवरऑल ये जो लास्ट कुछ दिनों से मार्केट्स के अंदर एक स्लगिश सा मोमेंटम बना हुआ है, एक स्लगिश सा ट्रेंड बना हुआ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ ये भी डिस्कस करें कि जो आप लोगों के सवाल आता है, हम उनके आप लोगों को क्या जवाब बात जो है वो दे सकते हैं। तो आप लोग अपने सवाल जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओवरऑल अगर हम करंटली इंडेक्स को अपने को देखते हैं, कराची स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है, तो इससे मैं ये कुछ जो बलाएं हैं वो हटाता हूँ तो हमें एक छोटी सी फॉर्मेशन बनती हुई नजर आती है। और ये मैंने फॉर्मेशन बना ली है तो हमें ये फॉर्मेशन जो है वो किस इस तरह से बनती हुई नजर आती है कि ओवरऑल इंडेक्स जो है वो एक डिसेंडिंग वेज के अंदर मूव करता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसकी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को जो है वो सेकंड टाइम टच करने के बाद रिजेक्शन फेस किया है उसने, और डाउनवर्ड मोमेंटम जो है वो आहिस्ता 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 इंक्रीज करता जा रहा है। अब ये मुझे कोई नहीं पता कि कमेंट्स वैसे ही ऑफ हैं या कमेंट हो नहीं रहे या कमेंट आ नहीं रहे या मेरे सामने नहीं आ रहे, तो देख लेते हैं कि सीन क्या है ओवरऑल कमेंट्स का, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा जब तक कमेंट्स, उसमें फिर बंदे को बोलना आसान होता है, कोई सवाल कोई दोस्त पूछे तो उसका जवाब देना जो है वो आसान हो जाता है। हाँ, मुजफ्फर भाट साहब ने ज्वाइन किया, सलाम करें, वालेकुम सलाम। मतलब कमेंट्स चालू हैं, आओ वो क्या मूवी का एक डायलॉग है, धंधा चालू छे। तो अभी आज के दिन की हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 100 इंडेक्स जो है इसने ओवरऑल एक अपना मोमेंटम जो है वो चेंज करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर हम आर्ली चार्ट के ऊपर मूव करते हैं तो आर्ली चार्ट के ऊपर एक छोटी थोड़ी जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो 100 इंडेक्स ने एक ट्रायंगल क्रिएट की हुई है। बाकी लंबे टाइम फ्रेम्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इस टाइम फ्रेम के ऊपर जाके इसको देखते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं वो हमें थोड़ी सी क्लियरली नज़र आई हैं। ये 100 इंडेक्स का आर्ली चार्ट है और इस चार्ट के ऊपर 100 इंडेक्स जो है वो कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस बना रहा है कि डिसेंडिंग साइड से, मैं इन लाइंस को भी अब हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियरली नजर आए। पता नहीं मैं क्या क्लिक करता हूं कि सब कुछ ही जाता रहता है। वेरी नाइस। हम कुछ ऐसा क्लिक कर दिया था कि सब कुछ ही चला गया है। बहरहाल हमने उसको रिस्टोर कर लिया है, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है जी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा गौर करें इंडेक्स के ऊपर तो दो तीन चीजें जो है ना वो हमें इंडेक्स में की मूवमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए बड़ी सिंपली समझ आ जाएंगी और हमें आइडिया हो जाएगा कि ओवरऑल इंडेक्स जो है वो क्या मोमेंटम शो कर रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि आर्ली चार्ट के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है जो कि नियर बाय टॉप्स को मिला रही है, और दूसरी ट्रेंड लाइन अभी रिसेंटली इंडेक्स ने बनाई है, ये ट्रेंड लाइन जो है, और यहीं से आज 100 इंडेक्स जो है इसको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ी। आई थिंक सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही होगी, तो कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि इंडेक्स यहाँ पे इस तरह से क्यों जो है वो इतनी गंदी गंदी शक्लें बना रहा है, तो जाहिर सी बात है। जमाल अब्दुल नासिर का सलाम ब्रो, नाइस टू सी यू, थैंक यू जमाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर हम इस करंट सिनेरियो को देखते हैं तो करंट सिनेरियो के अंदर बेसिकली ये एक ट्राइंगल बनी हुई है जिसके अंदर एक बॉटम हमने ये मिला, दूसरा बॉटम ये मिलाया, तो ये एक ट्राइंगल बनी है। इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट जो है वो इंडेक्स को पुश करेगा इन रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो नॉर्मली मैं कहता रहता हूँ कि जो स्लाइट करेक्शन होती हैं वो आपको नॉर्मली मिलती हैं वेज के अंदर या ट्रायंगल के अंदर, और इसी तरह से जो डीप करेक्शंस होती हैं वो आपको नॉर्मली ट्रेंड चैनल के अंदर मिलती हैं। तो अगर हम इसको करंटली देखते हैं तो हमें एक चीज थोड़ी सी क्लैरिफाई होती हुई नजर आएगी। मैं इसके ऊपर अभी ना करेक्शन ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक नई चीज भी सीखने को मिल जाए कि ओवरऑल इंडेक्स जो है उसका जो ये करंट मोमेंटम बना हुआ है उसके पीछे लॉजिक क्या है या उसके पीछे रीजन क्या है।
अगर हम इसको देखते हैं तो यहां से गिरते हुए मार्केट अपना ये बॉटम पोस्ट करती है और इस बॉटम से स्टैक बार सलाम करें वालेकुम सलाम, यहां से वापस मार्केट करेक्ट होती है और करेक्शन 50% कंप्लीट करती है। जहां उसकी 50% करेक्शन कंप्लीट होती है वहीं पे एक स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट रीजन भी मौजूद है। और ये जेहन में रखिएगा, नॉर्मली दोस्तों के जेहन में होता है कि जी कौन सा करेक्शन लेवल जो है उसके कंप्लीट होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं। बहुत दफा लोग पूछते हैं कि करेक्शन के तो इतने सारे लेवल्स हैं तो कौन सा करेक्शन लेवल जो है वो ज्यादा कंप्लीट होने के चांसेस होते हैं कि जहां से मार्केट जो है वो वापस मुड़ेगी। तो ये चीज नोट करने वाली है कि जिस करेक्शन लेवल के पास मार्केट को मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रही हो उसके फुलफिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहां तक जाके मार्केट 50% कंप्लीट करती है और फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम देखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो रोज बरोज आए दिन हर अगले गुजरते घंटे के साथ श्रिंक कर रही है। अब जब ये ट्रायंगल आपके पास श्रिंक कर रही है तो जाहिर सी बात है मार्केट की मूव भी उसी हवाले से उसी रेशो के साथ जो है वो थोड़ी आपको कम होती नजर आ रही है, मार्केट स्लगेश वे में मूव करती नजर आ रही है। तो अब अगर आप इस रीजन को देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया, तो यहां से इस रैली की आप करेक्शन लगाएं तो इसकी भी आज इंडेक्स जो है वो 61.8% करेक्शन जो है उसको टच करने के बाद अगेन अपनी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को टच करके वापस आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का जो रूल होता है वो ये होता है कि जिस साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक, जिस साइड का जो है ब्रेकआउट होता है उसके अपोजिट ट्रेंड लाइन को उठा के, जस्ट लाइक ये दो लाइंस हैं, ये एक रेड ट्रेंड लाइन है और ये ग्रीन ट्रेंड लाइन है और इसके अंदर ये मार्केट जो है ट्रायंगल के अंदर स्टक है। और अगर आप इसको देखोगे तो यहां से लेके इस पूरे रीजन की भी ये करेक्शन बढ़ रही होगी। कुछ दोस्त इसको करेक्शन की करेक्शन कह रहे होंगे कि इंडेक्स जो है वो टू सम एक्सटेंट इस तरह की ये 50% करेक्शन के अंदर स्टक है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अब इंडेक्स के पास आगे रेंज बहुत कम होती जा रही है। तो उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक हम ये सपोज करते हैं कि अगर कल मार्केट ये बीरश जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक कर लेती है तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, उसके लिए सिंपली एक काम करें, जो आपकी रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है उसको उठाएं, इनिशियली रख दें जहां पे आपने अपनी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन का सेकंड बॉटम रखा हुआ है वहां पे, तो वो आपको टारगेट शो कर रहा है 39,800। मतलब ये है कि अगर कल इंडेक्स 40,260 के रीजन को ब्रेक करके नीचे क्लोज करता है तो पहला टारगेट इंडेक्स का ये होगा। मीनवाइल अगर हम दूसरे टारगेट की बात करते हैं जो कि थोड़ा लॉन्गर रन के ऊपर आता है तो वो फिर इस तरह से ये ट्रेंड लाइन हमें ट्रायंगल जो एक्सपेंड होती नजर आती है। अब इसके वाइस वर्सा चले जाते हैं, ये तो था बीरिश डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट होना, लेकिन अगर हम बुलिश डायरेक्शन के अंदर ब्रेकआउट को काउंट करें कि ये अपने रेजिस्टेंट इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर क्या करेगी, उसके लिए जस्ट आपने जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है इसको उठाना है पहली ऑप्शन आपके पास, जहां दूसरा इसका जो इस रीजन के अंदर आपने टॉप इस ट्रेंड लाइन ऊपर रेड का मिलाया है। प्लीज एनालाइज एटीआरएल एसएजी डब्ल्यू एंड जीएचएनआई, सर कोशिश करता हूं। तो फर्स्ट टारगेट जो है वो इसका ये निकलता है 40,860 से लेके 900 और का रीजन जो है उसको ब्रेक करता है तो 41,000 पूरे का रीजन। लेकिन अगर इसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करती है और मार्केट अपनी स्ट्रांग जो रेजिस्टेंस लाइन है 41,100 वाली इसको भी ब्रेक कर जाती है तो जहां से आपने रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन को पकड़ा, जहां से आपने इस ट्रेंड लाइन को शुरू किया, आप इसको यहां रख देंगे तो ये टारगेट आपको दिखा देगा 41,500-600 का कि जी ये इंडेक्स को यहां तक जाना चाहिए। अब ये दो आपके पास सिनेरियोज आ गए कि आइदर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आपने क्या करना है, या इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो फिर क्या करना है। अगर आप आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर्स को देखते हैं तो आर्ली मोमेंटम इंडिकेटर्स एक चीज क्लियरली शो कर रहे हैं कि मार्केट अभी भी कोशिश कर सकती है, स्ट्रगल कर सकती है, बट इस लाइन से नीचे अगर स्लाइड करने में मार्केट सक्सेसफुल हो जाती है जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है तो फिर हालात थोड़े दगरगुं हो जाएंगे। ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आर्ली चार्ट के ऊपर हम जस्ट कल की मूव को डिस्कस अगर करते हैं तो उसमें हमारे पास ये दो सिनेरियोस थे। अब आ जाते हैं हम थोड़े से लॉन्गर रन के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर। अगर हम डेली चार्ट के ऊपर आते हैं तो डेली चार्ट के ऊपर हमारे पास जो शक्लें बन रही हैं मार्केट की वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि आने वाले दिनों के अंदर अवाम उन्नास को पैनिक कर सकती है। जब मैं लास्ट टाइम लाइव आया था तो किसी दोस्त ने ये डिस्कस किया था कि सर मार्केट जो है वो अपना
हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन तो नहीं बना रही है डेली चार्ट के अंदर, तो मैंने उनसे कहा था कि जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर देगी उस वक्त तक आप उसको हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन जो है वो नहीं कह सकते जब तक अपनी नेक लाइन को ब्रेक नहीं करती। तो ओवरऑल अगर बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसकी नेक लाइन कंसीडर होगी, ये जो ट्रेंड लाइन मूव करते हुए अपर डायरेक्शन में जा रही है 39,588। बट मार्केट जो है बीरश किस वक्त होगी, ओवरऑल सेंटिमेंट जो है वो बीरश कब हो जाएगा, जब इंडेक्स अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर इंडेक्स ओवरऑल अगर देखें तो आपको 41,500 से लेके 39,200 का जो रीजन है, तकरीबन 2000 पॉइंट्स का रीजन है, इसके अंदर तंग बहुत ये समझ रहे हैं कि केज टाइप नजर आएगा, मोमेंटम जो है वोलेटिलिटी ज्यादा होगी 100 प्लस 100 माइनस, लेकिन जो है ओवरऑल ट्रेंड मार्केट जो है वो सेट नहीं कर सकेगी। वायर ऑन अदर साइड अगर लॉन्गर रन पे आप एक चीज देखें तो वो चीज बहुत क्लैरिफाई एक चीज कर रही है कि इंडेक्स जो है वो डिसेंडिंग वेज के अंदर है, डिसेंडिंग वेज के लॉन्ग ही चांसेस होते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होने के, और अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में इंडेक्स जो है वो 41,500 से ऊपर क्लोज कर जाता है डेली या वीकली चार्ट को, तो मोमेंटम बहुत सीरियसली बुलिश हो जाएगा, जो कि प्रीवियस टॉप को ब्रेक करने के लिए भी स्ट्रगल कर सकता है। बट हमें यह भी माइंड में रखना है कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में 41,500 का ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस होगी, डबल टॉप आएगा, वो हमें मिलेगा 41,800 से लेकर 41,860 से लेके 42,000 के रीजन में, और मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगेन आपके पास 43,200 के रीजन के अंदर जो है वो खड़ी होगी, वो वहां पर जाके मार्केट को फिर कैप करने की कोशिश करेगी 42,800 से 43,200 के बीच। लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जिस वक्त मार्केट जो है वो 40,000 को ब्रेक करती है तो इनिशियल सपोर्ट आती है 39,760 की, 39,760 का ब्रेक होता है तो अगले 500 पॉइंट्स के अंदर मार्केट के पास 39,200 तक सपोर्ट नहीं है, और 39,200 का ब्रेकआउट करने के ऊपर मार्केट जो है 39,500 भी ट्रेंड लाइन आपकी चली गई है। तो अब अगर इसको हम हेड एंड शोल्डर की शक्ल में लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मेशन को मान लेते हैं तो उसके अंदर फिर मार्केट को एक बार 38,000 पोस्ट करके वापस रिटेस्टिंग इस लाइन की करनी होगी, और उसकी कंफर्मेशन मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों से यही डिस्कस की थी कि अगर आप इंडेक्स को बेरिश डायरेक्शन के अंदर देखते हैं, आपको ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन नजर आती है, तो वॉल्यूम्स के ऊपर गहरी नजर रखें, वॉल्यूम्स आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि मार्केट का ट्रेंड आने वाले दिनों के अंदर जो है वो क्या रहेगा। सिनेरियोस डेवलप करते हुए आप इसको लेके आगे चलते जाएंगे, लेकिन अगर हम इसको वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं थोड़ा चीजों को मजीद, तो हमें यहां पे एक डार्क क्लाउड पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है मुसलसल वीकली चार्ट के ऊपर, के ट्रिपल टॉप भी बन चुका हुआ है वीकली चार्ट में, और अगर हम इस पूरी की पूरी इस ये जो रैली है इसकी देखें तो मार्केट कुरेक्शन भी कंप्लीट कर चुकी है, कुरेक्शन से ऊपर वंस अ टाइम भी क्लोज नहीं कर पाई, तो वो चीज भी मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकती है। और दूसरी साइड पे अगर इसी चीज को थोड़ा सा खींच लेते हैं मजीद, और अगर हम इसी चीज को खींचते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मेशन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन के तौर पे नजर आती है कि इस रीजन के अंदर मार्केट के पास तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, जब इसको ब्रेक करेगी तो ऑन मिड टर्म बेसिस शॉर्ट टर्म बेसिस मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर लेगी। लेकिन इस जगह पर अगर आप देखें तो यहां पर एक फाइट चल रही है, एक जो है वो जंग वाली सूरतयाल है, और उस जंग की फाइट की सूरतयाल की जो लॉजिक मुझे समझ आती है, थोड़ा इससे बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएं मंथली चार्ट के ऊपर, जो कि नॉर्मली लोग ट्रेड नहीं करते या देखते नहीं होते, तो यहां पे आपको दो तीन चीजें जो है ना वो बड़ी क्लियरली नजर आएंगी। पहली चीज यहां पर एक फर्स्ट हैमर आता है, दूसरा हैमर इस रीजन के अंदर आता है कंटिन्यूसली, तीसरा हैमर जो है वो यहां इस रीजन के अंदर फॉल करता है, और ये मार्केट का यहाँ पे कंटिन्यूस चौथा फोर्थ हैमर है। तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हुई है, और वो अनसर्टेनिटी मार्केट में जो है वो भी सेंटीमेंट का मौजब बन सकती है। इस्माइल तारक इस्माइल तबस्सुम भाई ने जान के ऑलवेज आप थैंक यू इस्माइल भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो अब ये सेंटीमेंट सारे जो है ये मिल के एक जस्टिफिकेशन बना रहे हैं कि मार्केट अपने क्योंकि एक की लेवल के ऊपर खड़ी है। अब इसको टिपिकल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हैं माल पूरा नहीं हुआ, माल मारना है, या जो भी इसको नाम दे लें एक्स्ट्रा, जो भी आपके जहन में आता है, जो आपको अच्छा लगता है वो भी अगर आप इसको दे लें,
तो इंडिकेशन क्या है कि ओवरऑल 41,500 जो है वो की लेवल है मार्केट के पास, 41,500 से ऊपर डेली वीकली मंथली क्लोजिंग का मतलब यह है कि मार्केट एक बार बुलिश सेंटीमेंट में एंटर हो जाएगी। लेकिन जब तक मार्केट 41,500 से ऊपर नहीं है, मार्केट उस वक्त तक अनसर्टेन रीजन के अंदर है, वहां पे आपको किसी भी वक्त पैनिक सेलिंग नजर आ सकती है, और मामूली सी पैनिक सेलिंग जो है वो मार्केट को इसके सपोर्टिव रीजन को ब्रेक करके डाउनवर्ड पुश करती हुई मिल सकती है, नजर आ सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि थोड़ा इसको लॉजिकली ट्रेड करें। अभी हमारे पास एक सवाल था, उसको भी ले लेते हैं। एनालाइज ATRL का पूछा है आपने, SAZEW का पूछा है, चलें जी हम इनको भी डिस्कस करने की। अच्छा, बड़ी मजे की बात बताऊं आपको, जितने भी मैं अभी चार्ट्स खोल के उनके ऊपर आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा, आप लोगों के लिए अचंभे की बात होगी कि पूरी की पूरी मार्केट जो है, जो मार्केट की मेजर मेन स्ट्रीम आइटम्स हैं, वो सपोर्टिव लाइंस के ऊपर अपनी मेजर सपोर्टिव रीजन के अंदर खड़े हुए हैं। खुदा न करे यहां से स्लाइड करती है मार्केट तो मेजर अपसेट होगा, लेकिन दूसरी साइड पे अगर यही लाइंस मेंटेन हो जाती हैं, समटाइम्स हम कहते होते हैं कि वेट एंड सी, तो वो सिचुएशन मार्केट यहां पे क्रिएट करे। क्योंकि अब जितने भी मेजर शेयर्स होंगे हम उनको देखते जाएंगे तो हमें एक ही चीज क्लैरिफाई करते नजर आएंगे कि भाई अभी सबर, जब मार्केट अपनी इन सपोर्टिव रीजंस को अगर तो मेंटेन करके उठने में कामयाब होगी तो जाहिर सी बात है एक लंबी रैली आप लोगों को मिलेगी, लेकिन खुदा ना करे अगर नहीं मेंटेन कर सकी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ा तो फिर उसका मतलब ये होगा कि मैसिव सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। थोड़ा केयरफुली, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए तो जरूरी है कि वो जरा केयरफुली ट्रेडिंग करें, तब वक्त ये कि मार्केट अपने इन रीजंस, ये लाइन जिस तरह अभी आपको यहां पे नजर आ रही है, राहिल जुबैर साहब सलाम कह रहे हैं वालेकुम सलाम, जिस तरह ये ट्रेंड लाइन आपको यहां नजर आ रही है, आपको मार्केट की मेजर जितनी भी आइटम्स हैं, मार्केट की आइटम्स जिनको हम नॉर्मली टिपिकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं, उन सब में ये जो नीचे सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है, मैं कलर ग्रीन कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लैरिफाई होती नजर आए, तो ये तकरीबन आपको मार्केट की सारी आइटम्स के अंदर इस तरह की सपोर्टिव लाइन जो है वो सब में नजर आएगी। अगर किसी में इस तरह नहीं होगा तो किसी में हॉरिजॉन्टल सपोर्टिव रीजन बना हुआ होगा। तो ये चीजें जो है ये आपको सारी की सारी मिलकर ओवरऑल एक सेंटिमेंट इस तरह का क्रिएट करती नजर आती है। अब मैंने इसको बजाय यहां से मैंने थोड़ा इसको पीछे खींचा तो स्टिल लाइन मेंटेन हो रही है डेली चार्ट के ऊपर, कोई लंबा टाइम फ्रेम भी नहीं है, छोटा टाइम फ्रेम है। और दूसरी चीज, एक नई चीज शायद आप लोगों के लिए, कुछ दोस्त इसको जानते हो कुछ लोग ना जानते हो, रौफ मलिक साहब अस्सलाम करने वाले सलाम, वो ये है कि यहां पे आपका स्टॉकिस्टिक जो है ये 20 के रीजन के अंदर ट्रेड हो रहा है। अब गजब की कहानी ये है कि नॉर्मली ये सोचा जाता है कि 20 बिलो ये ओवरसोल्ड होगा। जो मुझे चीज पैनिक कर रही है वो यही है कि अगर ये 20 बिलो स्लाइड कर गया और यहां से ये सपोर्टिव रीजन ब्रेक हुए तो मार्केट लंबी छलांगे दो दिनों के अंदर ये नीचे के अपना टारगेट्स पूरा करने के लिए मार देगी। मैं ये नहीं कह रहा सेलिंग करें, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ कॉशियस रहें, थोड़ा ध्यान से थोड़ा अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट कर लें अगर बाइंग की हुई है। सेलिंग के लिए अभी रिकमेंडेड टाइम नहीं है, सेलिंग के लिए वेट एंड सी जो है वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि अगर ये 20 बिलो स्लाइड करता है MACD स्टॉकिस्टिक जो है, शायद कुछ लोगों के लिए मेरी बात बेवकूफाना टाइप हो, लेकिन मेरा जो वर्किंग है स्टाइल है वो मुझे ये बताता है कि अगर ये स्टॉकिस्टिक 20 बिलो स्लाइड करता है और यहां से ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइंस ब्रेक हो जाती हैं जितने मेजर आइटम्स हैं, तो ये एक मेजर अपसेट देखने को मिलेगा और तीन चार लंबी लंबी कैंडल्स जो है वो बीरिश डायरेक्शन में आपको नजर आएंगे, जो कि मार्केट में पूरा वो अथल पथल टाइप समटाइम होता है मचा देगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा उनके ऊपर केयरफुल रहना है। उसके बाद आ जाता है जी SAZEW जी, कोशिश करते हैं उसको भी देख लें। और इन चीजों को जो भी मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल सा यही है कि संडे से हम लोग जो है ट्रेनिंग सेशन अपना एडवांस सेशन रखने जा रहे हैं। इस बार हमने चार्जेस बहुत मिनिमम कर दिए, जस्ट 5,000 रुपीज चार्जेस हैं इस ट्रेनिंग सेशन के। 8 दिनों का सेशन है, ऑनलाइन सेशन होगा, कोई भी शख्स ज्वाइन कर सकता है या इवन फिजिकली लाहौर हमारे ऑफिस में भी आके ज्वाइन कर सकता है। और इस सेशन के अंदर खूबी सबसे बड़ी ये है कि जो सेशन हम नॉर्मली 20,000 रुपीज के अंदर या कभी वेव करके 12,000-15,000 में ऑफर करते हैं, ये हम लोग आप लोगों को इस बार जस्ट 5,000 रुपीज के अंदर ऑफर कर रहे हैं। तो वो आप इस संडे से पहले पहले जब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो हमारे फेसबुक पेज पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं SAZEW की, तो SAZEW जो है इसके अंदर दो चीजें आपको शायद मेरी ये दो लाइन लगाने से ही क्लियर हो गई होंगी। पहली तो ये है कि अगर आप इसके ऊपर करेक्शन ड्रा करेंगे तो ये अपनी यहाँ पे करेक्शन पूरी करके जा रहा है। जहां इसकी करेक्शन पूरी हुई है उसी रीजन के अंदर इसने अपनी जो प्रीवियस ट्रायंगल थी जिसका ब्रेकआउट करके ये ऊपर गया था, इसने उसको भी
यार ये मैं ना बार बार कर देता हूँ इसको चेंज, इसलिए अब इस पे सेव करता हूँ और किसी और चार्ट पे वर्किंग करूँगा तो ये हमारा सामने से सौदा गायब नहीं होगा। अगर आप इसको देखें तो ये 61.8% कुरेक्शन भी पूरी हुई। इस जो ट्रायंगल टूटी थी उसकी रेजिस्टेंट लाइन जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी अब सपोर्ट बन रही है वो भी हो गई। तारक अली सलाम वालेकुम, जनाब वालेकुम अस्सलाम, फहद सलाम, सरवा सलाम। तो ये लाइन भी इसकी रिटेस्ट भी हो गई, मीनवाइल 61.8% कुरेक्शन भी हो गई और अब ये अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है इसने अपना मोमेंटम बना लिया है कि दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना इसने शुरू कर दिया। बट जो चीज यहां पे आपको तंग कर सकती है, यानी कि दो इंडिकेटर्स आपको मिल गया, सपोर्ट पूरी हो गई है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू हो गया, लेकिन जो चीज आपको यहां पैनिक करेगी वो क्या होगी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो आपने सपोर्टिव लाइन को ले लिया ना, सॉरी इसकी कुरेक्शन कैलकुलेट कर ली, तो यहां से अगर आप इसकी कुरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो इसकी कुरेक्शन आपको इसके मेजर रेजिस्टेंस रीजन के अंदर पूरी होती नजर आएगी। 161.41 रुपए से ऊपर चला जाए तो फिर अच्छा हो जाएगा, गुड हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये मैंने अपना तुक्के से लगाई है, मेरे तुक्के के अकॉर्डिंगली यहाँ पे इसकी कुरेक्शन 50 या 61.8 पूरी हो जानी चाहिए। तो वहां पे आप इसको यहाँ पे हम इसको यहाँ दोबारा लगा के देख लेते हैं, SAZEW ऊपर से नीचे की कुरेक्शन लगा लेंगे। यहां से भाई साहब गिरे हैं, यहां तक गए हैं, आप अगर उसी लाइन के ऊपर इसको रखें जो मैंने अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी इन बॉटम्स के ऊपर, तो यहाँ पे इसकी 61.8% कुरेक्शन पूरी हो रही है। अब इस कुरेक्शन से मतलब यह है कि 160 रुपए 41 पैसे, 160 रुपए 40 पैसे से 61 सॉरी 61.41 से नीचे अगर है तो रिवर्सल के चांसेस स्टिल मौजूद हैं, क्योंकि डेली जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं वो थोड़ा ओवरबॉट रीजन के अंदर पहुंचे हुए हैं। ओवरबॉट होता कुछ नहीं, बस समझ लें कि है ठीक है। और दूसरी साइड से अगर आप इसी लाइन को यहां पे आके वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो ये जो आपने यहां पॉइंट अपना क्लियर किया था वो यहां पे आके आपका कंफर्म हो रहा है, तो उसके बाद उसको उसके अंदर आपको यहां पे मेजर रेजिस्टेंस रीजन ऑलरेडी नजर आ रहा है जिसकी पेनिट्रेशन होती है, लेकिन ब्रेकआउट पहले कभी नहीं हो पाया। तो इसलिए जब तक वीकली क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर नहीं हो जाती थोड़ा इसके अंदर SAZEW के अंदर केयरफुल रहें। दो आइटम आपकी कर दिए, तीसरी आपकी रहने देता हूँ। आगे एक और दोस्त पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं जी PRL और कोटद्दू। अच्छा PRL तो अभी इसी के अंदर खुला हुआ था, इसको फिर से खोल लेते हैं हम। ये मेरे एनालिसिस हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी अपनी स्टडी अपने अपने एनालिसिस जो है वो आप लोगों ने खुद बनाने हैं याद से, ये मेरे एनालिसिस हैं, हो सकता है गलत हो जाए। ओके, अगर हम इसको देखते हैं तो बेसिकली ये अपनी कुरेक्शंस भी पूरी कर चुका हुआ है, कुरेक्शंस पूरी करने के बाद सपोर्ट ले रहा है, लेकिन एक चीज जो इसको तंग करेगी वो भी आपको दिखा देता हूं। यहां से कोई इंसान के बच्चों वाली एक आध हरकत पकड़ ले भाई, हमें भी लाइन दे दे, गरीबों की लाइनें हैं, कहीं सीधी लग गई कहीं उल्टी। अगर आप इसको देखें, जो लोग इलियट को थोड़ा समझते हैं शायद उन लोगों को ये मेरी जो भी लाइंस लगाने लगा हूँ वो इसके ऊपर समझ आ जाएंगी कि ये इलियट की लाइंस इसको क्या जस्टिफाई करती हैं, किस तरह से जस्टिफाई करती हैं। ठीक है जी, अब ये यहां पे इस लाइन के ऊपर अपनी सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। दूसरी साइड पे इस सपोर्ट को मेंटेन करने के साथ साथ अली अहमद कह रहे हैं ASL एनालिसिस प्लीज, हैस कॉल सर SNG। इस सर मैं कोशिश करता हूँ सब चीजों को कर लूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं बड़े पुराने, उन्होंने मेरी गाली करनी है, धन्यवाद। अच्छा अब इसको अगर आप देखें तो ये भी भाई साहब जो है वो अपनी कुरेक्शन जो है वो पूरी करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सरकते सरकते थिरकते थिरकते अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। अगर आपको ये लगे कि ये कुरेक्शन आपकी पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे एक ऐड कर दें, वो आपकी अन्य बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब दो ट्रेंड लाइंस के ऊपर सपोर्टर खड़ा है, लेकिन सबसे जो इसकी आप समझ लें गलत हरकत है वो ये है कि ये 18 रुपए 50 पैसे का सर नहीं छोड़ रहा। 18 रुपए 50 पैसे का जिस वक्त ये सर छोड़ देगा उससे ऊपर क्लोजिंग करके सक्सेसफुली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, फिर इसके लिए हालात आहिस्ता 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 अच्छे होना शुरू हो जाएंगे,
क्योंकि वो रीजन इस बेचारे के लिए सम काइंड ऑफ वो वाले जान। दूसरी साइड पे 16.5 मेजर सपोर्टिव रीजन है, 16.5 से ऊपर ट्रेड हो रहा है, नॉट अ बिग डील, ठीक है, अच्छा है, 16.5 के स्टॉप लॉस पोस्ट किया जा सकता है, बट मोमेंटम एक्सपायरी की तरफ जा रहा है और अगर ये खुदा ना करे 18.5 को नहीं तोड़ पाता तो फिर इसके लिए जो चीजें हैं ना वो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी, इसके लिए फिर चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, तो इंसान के बच्चों की तरह लाइन लगेगी कि तेरे साथ कुछ और किया जाए। आ जाए इधर बेटा। तो ओवरऑल 18.5 से ऊपर PRL आपका क्लोज करता है तो ये अच्छे अच्छे वाली डायरेक्शन के अंदर जो है वो आपको निकलता हुआ नजर आ सकता है। SNGP का कोई दोस्त पूछ रहे हैं, क्लिक कर ले, अपनी अपनी आइटम दोस्त पूछते हैं भाग जाते हैं। SNGP तो बेचारा अन्य वाह जो है वो लगता है उसके पीछे किसी ने धक्का दिया है। तो SNGPL के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो करंटली इसके पास जो सपोर्टिव रीजन है उसी के पास पास बेचारा डमक डोइयां खा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको हिस्टोरिकली थोड़ा सा तगड़ा करके देखें, इधर मर्जी इधर बड़े मोहिंदर है, अच्छा जी कहीं वेज ब्रेकआउट करके बीरस चैनल में तो नहीं घुसा हुआ, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ मिनट। मान ले भाई आई थिंक सो कि इसका बीरस चैनल चल रहा है, जी ये अपने बीरस चैनल के अंदर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और रिसेंटली बीरस चैनल की जो सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है उससे सपोर्ट लेके उठ रहा है। वक्ती तौर पे अभी तक बुलिश साइड पे इतना को मोमेंटम बना नहीं, लेकिन अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो फिर ये जहन में रखिएगा क्योंकि इसने 54 तोड़ दिया हुआ है, 54 से नीचे आ गया हुआ है, तो इसलिए इसके पास जो है वो रीजन 51 से 54 का जो तगड़ी रेजिस्टेंस के तौर पर सामने आ सकता है, तो वो रीजन आपने जरा केयरफुली जो है उसको ट्रेड करना है। एक गंदी सी ट्रेंड लाइन और मुझे नजर आई है उसको लगा के देखते हैं, तो उम्मीद है वो भी हमारे पंजाबी के अंदर कार पूरा करेगी। शायद कुछ दोस्तों के लिए ये लाइनें अजीब अजीब सी हूं हैं, एक तो लग गई फलानी के तो लग गई कैसे लग गई, बहरहाल हर बंदे की अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी टेक्निक है, उसके अकॉर्डिंगली जहां जाना चाहता उसको लेके जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल इज बीइंग कॉल्ड अ लैंग्वेज जिसके जरिए ट्रेडर आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तारक इकबाल साहब हैं, सलाम करें, वालेकुम सलाम। तर भी अगर आप कराची वाले हैं तो मैं आपसे नाराज हूँ, मतलब साढ़े IT वाले, क्योंकि आप मेरे कॉल का जवाब नहीं देते, और अगर आप दूसरे कोई और तारक भाई हैं तो मोस्ट वेलकम। अच्छा जी और क्या था, SNGPL और हैस्कोल। अच्छा हैस्कोल क्या करता फिर रहा है, आप लोगों का क्या ख्याल है कि कुछ वक्त के लिए डेली बेसिस पे आया जाए या वीक में एक दिन काफी होता है कि वीक में एक दिन मार्केट को डिस्कस कर लिया और फिर भाग भूक गए। ये देखिए अपनी गंदी गंदी लाइनें कहीं ना कहीं पकड़ी जाती हैं बेचारी, फिर वो रोती रहती हैं हम पकड़े गए। ओके ओवरऑल अगर मैं बात करूं हैस्कोल की, तो हैस्कोल का जो ये प्रीवियस बॉटम है जो कि अप्रॉक्सीमेटली कोई 13.96 रुपए 13.80-85 रुपए के पास लगा हुआ है, वो जो है वो तगड़ी सपोर्ट है, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक कुछ उम्मीद की जा सकती है, इसको अगर तोड़ेगा तो फिर नया लो भी पोस्ट कर सकता है, लेकिन ये जो प्रीवियस यहाँ पे जो बॉटम लगा हुआ है इसके रीजन के अंदर इसकी बाइंग हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि बस जब अड्डे से निकले ना तो फिर उसका डंडा पकड़ के सवार हो जाए करें, तो बजाय इसके कि बस अड्डे में लगी हुई और उसमें सवारियां भी खाली बैठी नहीं है और आप जाके बैठ जाएं, तो उसकी वजह बेहतर ये होता है कि आप सवारियां बैठ के बस अड्डे के बाहर खड़े हो जाए, जब वो निकलने लगे तो उसमें सवारी कर लें, चार्ट के ऊपर लाइनें लगा के रखें, वहां से रिवर्सल आए पकड़ लें आइटम को और जो है कंटिन्यू करें। लेकिन उससे पहले आपके चार्ट के ऊपर वर्किंग आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए कि जी ये वर्किंग है, इसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ जाना चाहिए। उसके बाद हमारे पास था ASL,
स्टील्स। अच्छा, दिन में भी आज ना मेरे से कोई आयशा स्टील के बारे में दोस्त डिस्कशन कर रहा था कि आप इसके बारे में जो है वो क्या राय है आपकी। तो मैंने उससे दिन में भी ये कहा था कि इसकी भी हालत जो है ना, वो जिस तरह मार्केट की मतलब ये है वो कि ये बेचारा घुसा हुआ है अपनी तरफ से फुल टाइम साइंसदान बन के ना मार्केट आइटम्स के अंदर, कि जो मार्केट आइटम्स जिस तरह सपोर्टिव लाइंस में खड़ी हुई हैं, ये बेचारा भी वहीं पे जाके धक्के खाता हुआ खड़ा है। नहीं बेटा, इधर आओ, इस चलो। तो ये अपनी तरफ से जो है ना वो अंदर में काना राजा बन के तो उसके अंदर घुसा हुआ है। तो अगर खुदा ना करेगी इस लाइन से नीचे स्लाइड करने में सक्सेसफुल हो गया तो फिर थोड़ा सा हालात इसके जो है वो नासाज हो जाएंगे। इसलिए आपने बहुत सिक्योर अगर रहना है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस खा के मार्केट ऊपर ना जाए, तो ये जो बॉटम लगा हुआ है 1450 वाला, इसका स्टॉप लॉस रख लें या 14 का स्टॉप लॉस रख लें। और दूसरी साइड पे अगर ये यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, ये दो लाइनें हमारे पास आएंगी कल के दिन की क्लोजिंग, अगर भाई साहब जो है वो दे देते हैं अपनी 15 रुपए, कोई 60-70, मतलब जो आज क्लोजिंग है 64, इससे कोई 20-25 पैसे ऊपर, तो फिर ये टारगेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में 16 रुपए 20 पैसे, 16 रुपए 10 पैसे। बट ये वाली लाइन में जो आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जब तक इस रीजन से ऊपर यहाँ 15 रुपए 60 64 80 पैसे ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं देता, थोड़ा सा गलत है। 16 रुपए 20 पैसे एक पिवोटल वैल्यू होगी इसकी। 16 रुपए 20 पैसे से ऊपर निकलने का मतलब होगा अगेन एक बार नया हाई ट्राई कर सकता है। बट 16 रुपए 20 पैसे से नीचे जब तक है, ये नीचे 14 रुपए से 16-20 के दरमियान रेंज बाउंड सिचुएशन में रहेगा। खुदा ना करे मार्केट के साथ कुछ होता है, तो क्योंकि इसने भी फॉर्मेशन जितनी मार्केट की मेजर आइटम्स है उनके जैसी बनाई हुई है, तो फिर इसके लिए वो चीज जो है वो खतरनाक हो सकती है। अब अगर आप इसी लाइन को थोड़ा सा ऐसे कर दें तो फिर ये वही रीजन आपके पास जाके 16 रुपए 20 पैसे का निकलेगा। जस्ट मामूली सी आपने लाइन के अंदर एडजस्टमेंट की है तो वो लाइन आपके पास जाके सीधी जाके रुकी है, जो इसका मेजर एडजस्टमेंट रीजन है उसके ऊपर, कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता उस वक्त तक जो है थोड़ा डेंजरस है ये। उसके बाद AVN था हमारे पास, AVN लिमिटेड। अच्छा, किसी दोस्त ने बताया, नहीं सर, राहिल ने कहा है कि वीक में एक बार आ जा करें। किसी ने ये नहीं कहा कि डेली कुछ हल्की फुल्की हम गपशप लगा लिया करें, या वीक में एक बार जो है वो काफी होता है। हो अवेंसान, अवेंसान जो है आई थिंक सो बीरस चैनल पकड़ के बैठा हुआ है मेरा ख्याल है, शक्ल से लगा है, अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म यहां से हो जाएगा। अच्छा, इसका एक ऑप्शन तो ये है, दूसरा ऑप्शन ये है। अच्छा, इसको फिर चैनल से हटाना पड़ेगा। जब दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आपको इसको चैनल से हटाना पड़ेगा, फिर आपको ट्रेंड लाइन पकड़नी पड़ेगी कि भाई साहब ने ये जब अपना ब्रेकआउट दिया उसका रिटेस्ट मारा, ये लें जनाब 42, मान जाओ। ये बेसिकली मैं लाइन को स्नैप करता हूं कि उसके ऊपर बैठ जाए, तो उसकी यहां पर रिटेस्टिंग भी हो चुकी है। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन जो ये है कि एवेंसॉन जो है इसके पास इनिशियली जो रेजिस्टेंट रीजन है वो ये 69 रुपए, कोई मतलब 70 कर लो गोल मोल करके राउंड फिगर में, 17 रुपीज जो है वो रेजिस्टेंट रीजन है। अगर उसको तोड़ता है, थैंक्स फॉर रिहर्सल, मोस्ट वेलकम। PPL व्यू कह रहे हैं फिदा असलम सर, डेली इज द बेस्ट ऑप्शन, मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं सर, इसके ऊपर भी थोड़ा सोच लेते हैं। अच्छा जी, तो ओवरऑल 70 रुपए से ब्रेकआउट करेगा तो फिर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा सकता है, अदरवाइज 70 के ऊपर मोमेंटम लूज होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हालात, और इसी लाइन को थोड़ा सा यहां से एडजस्ट करें। आपकी एक एक लाइन मामूली सी जैसे ही एडजस्ट होती जाएगी आपकी उस रेजिस्टेंस को स्ट्रेंथ देगी, अगर आपने अपने रेजिस्टेंस ठीक पकड़ी हुई है तो। अब अगर आप इसको देखें तो पहले सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस थी, बट इस ट्रेंड लाइन को हमने इस टॉप के ऊपर एडजस्ट किया तो हमें यहां पे ऑटोमेटिकली ये रीजन एज अ रेजिस्टेंस मिल गया, तो इसलिए आपने इसको जो है वो जेहन में रखना है। प्लीज एवेल्यूएट नर्सोल,
मैं रोड़ा कह रहा हूँ SNGP, सर SNGP हो गया है, वीडियो को रिवाइज करके देख लें, या अगर फेसबुक लाइव में कोई वापसी की ऑप्शन होती है तो वापस खींच के देख लें। SNGP हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। EVM के बाद हमारे पास क्या आया था, UBL और HBL आए थे जी। UBL और HBL को ट्राई कर लेते हैं। तारक भी आपने बताया नहीं, आप वो हमारे IT वाले तारक भाई हैं या कोई और तारक भाई हैं, ताकि लड़ाई तो कर सके ना अगर वो वाले हैं तो, कहते मैं इतने ही लड़ पाऊंगे। ओके जी, UBL जो है वो हमारे पास इस वक्त डेली चार्ट हमें नजर आ रहा है और शक्लें इसने भी वही गंदी गंदी बनाई हुई हैं जिस तरह सारी की सारी मार्केट जो है। इसने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ पकड़ के अपनी उस शक्ल को तगड़ा कर लिया हुआ है, बाकियों के हालात जो हैं वो अभी एज इट इज नेगेटिव हैं। एक चीज पॉजिटिव जो है वो UBL के हवाले से नजर आ रही है और वो ये है कि इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, सॉरी डिसेंडिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ हुआ है। वो वेज भी आपको दिखा देता हूं कि वो डिसेंडिंग वेज कौन सी है जिसका ब्रेकआउट हुआ है, ताकि दोस्तों के लिए आसानी हो जाए कि केड़ी एडी वेज जिंदा ब्रेकआउट ते ये भाई साहब इतने कमले हुए ने इधर मारे तेरे मरण जी। इसका ब्रेकआउट करने के बाद अब राइट नो जो इसके पास रेजिस्टेंट रीजन हैं, जिसके बाद आपको इसमें मतलब शांति ओम नजर आएगा, वो ये है कि 130 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब होगा भाई साहब खुश अखलाक हैं, भाई साहब भागने के लिए तैयार हैं। बट इनिशियली जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो 124 रुपए के पास तगड़ी रेजिस्टेंस इसको मिल सकती है, इसलिए आपने इसके ऊपर जो है वो खासतौर पर ध्यान रखना है। नहीं सर मैं लाहौर से हूँ, IT वाले भाई नहीं हूँ। ओके थैंक यू तारक भाई। ओके अच्छा जी, अब इसके बारे में UBL का ये है कि अगर ये 124 रुपए से ऊपर क्लोज करता है, क्योंकि ये इसके पास इनिशियल रेजिस्टेंस है, बड़ा तगड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, प्रीवियसली इसको एज अ सपोर्ट भी मेंटेन करता है, एज अ रेजिस्टेंस भी मेंटेन करता है, 124 से ऊपर निकलेगा क्योंकि यहाँ पे इसने बुलिश सेंटीमेंट जनरेट किया है। बट ये बुलिश सेंटीमेंट जो है चीट पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये 124 से ऊपर क्लोज नहीं करता। 124 से ऊपर ब्रेकआउट का मतलब होगा 130 रुपए तक ये आपको जा सकता है। 124 से ब्रेकआउट मतलब डेली क्लोजिंग उससे ऊपर अगर करता है तो सूद खोरों का सेक्टर है। ओके जी, अब आपने पूछा है HBL मतलब बैंकिंग सेक्टर जो है ये मार्केट से अपनी नमी साइंस लड़ा के खड़ा हुआ है। इसने अपनी डेढ़ इंट की मस्जिद जो है वो अलग से बनाई हुई है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो वन क्लोजिंग बिलो इस रीजन के अंदर। ओके जी, अगर आप HBL के बायर हैं, आप हमेशा बाइंग में कंफर्टेबल हैं, तो फिर स्टॉप लॉस अपना जो है वो इस रीजन के अंदर तगड़ा रखिएगा। 126-27 के रीजन के अंदर जो है वो स्टॉप लॉस 125 रुपए 50 पैसे जो प्रीवियस लो है, इनका स्टॉप लॉस तगड़ा रखना है। बुलिश डायरेक्शन में अगर इसकी मैं बात करता हूं तो बुलिश उस वक्त भाई साहब होंगे जब 135 से ऊपर डेली क्लोजिंग दे देंगे, तो फिर 4-5 रुपए मजीद ऐड कर सकते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू, नसीम अख्तर कह रहे हैं। मी फाइन, आप सुनाए कैसे हैं, ठीक हो गया जी। और HBL भी हो गया, इसके बाद और क्या था। नेटसोल SNGP हो चुका है, नेटसोल रह गया। चलिए हम नेटसोल को भी डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद नारा मारते हैं। और आप लोगों को एक चीज बताता चलूं कि हम लोग संडे से अपना एक ट्रेनिंग सेशन करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने अपने जो चार्जेस हैं वो 75% वेव ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। संडे से लेके नेक्स्ट संडे तक 8 दिनों का ये ट्रेनिंग सेशन होगा कि आप स्टॉक मार्केट में ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स जो है वो ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं, एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज जो हैं वो हम देख सिखाएंगे। और उसका हमने इस बार जो बेनिफिट आप लोगों के लिए रखा हुआ है कि मार्केट मेकर की एक्सेस जो लोग ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करेंगे, मतलब उनको ये 30,000 का पैकेज हम जो है वो 5,000 रुपए में दे रहे हैं, जिसमें 20,000 ट्रेनिंग प्लस 10,000 मार्केट मेकर्स की प्राइस। तो ये ट्रेनिंग सेशन जो है ये आप लोगों को मिलेगा जस्ट इन 5,000 रुपीस, जिसमें आपको ये सारी जो मैं अभी ये गिचर मिचर करके लाइनें लगा रहा हूँ ये सारी आपको लगानी आ जाएंगी। और ये 8 दिनों का सेशन होगा और इसमें एक महीने की सपोर्ट साथ होगी कि जो चीज़ आप एनालाइज करते हैं, जो चीज़ आप देखते हैं, जो सीखते हैं उसको, ताकि आप प्रॉपरली जो है वो स्टडी भी बाद में कर सकें। नेटसोल जी ओवरऑल बुलिश हुआ हुआ है क्योंकि भाई साहब ने 67-69 से ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, तो इसलिए मुझे वक्ती तौर पे तो ये लग रहा है कि ये बुलिश है।
रेजिस्टेंस इसके पास जो पहली इनिशियल तगड़ी रेजिस्टेंस है, जिसके बाद ये तगड़े वाला बुलिश हो सकता है, उस वो इसका प्रीवियस टॉप है, क्योंकि इसने अपने इस रीजन से ऊपर, कल का दिन वीकेंड है तो इसलिए ये जहन में रखिएगा कल 74 से ऊपर क्लोजिंग करेगा तो अच्छा अच्छा अच्छी अच्छी सूरत हाल है। एक सेकंड वीकली को देख लें, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी है और ये अपने बुलिंगर शिलिंगर से बाहर निकल रहा है, स्क्वीज करके बुलिश डायरेक्शन में फाड़ने की कोशिश कर रहा है, नीचे ये करेक्शन लेके अपर डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ इसने वेज का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए 74 से ऊपर वीकली क्लोजिंग का मतलब ये है कि ये भाई साहब आपको 81, 82 एंड देन 85 का टारगेट दिखा सकते हैं। लेकिन अगेन वही चीज कहूंगा, बराए मेहरबानी ये जहन में रखिएगा कि मार्केट डायरेक्शन, अगर मार्केट जो है वो 40,000 से नीचे स्लाइड कर जाती है तो फिर बाइंग वाली चीजों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे लीजिएगा। ओके सर, उसके बाद आ गया पीपीएल, पीपीपीपीएल पीपीएल लॉन्गर रन के लिए अच्छा शेयर है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेकर रखना चाहते हैं तो लेके इसको रख सकते हैं। लेकिन वक्ती तौर पे अगर हम बात करें कि ये भाई साहब जो हैं इनकी क्या वो प्लान्स हैं, ये किस तरह से अपनी मूवमेंट को बनाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने अपनी एक असेंडिंग वेज, मैं वो वेज बना के आपको दिखा देता हूँ, इसने अपनी असेंडिंग वेज जो है ना इसको ब्रेक किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, इधर आ बैठा, इसको कुछ लोगों ने चैनल का नाम भी दिया, कुछ लोगों ने इसको कोई नाम दिया, तो बेसिकली इसने अपनी इस असेंडिंग वेज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक किया था और वो इसके लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना तगड़े वाला, और उसकी वजह से जो इसकी प्राइसेस है ना उन्होंने खटिया खड़ी की है। ये बेसिकली इसकी असेंडिंग वेज थी और असेंडिंग वेज के अंदर इसने अपने इस पूरे रीजन की करेक्शन पूरी की यहां तक और अगेन ये स्लाइड कर रहा है। राइट नाउ मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 76-77 सर शॉर्ट किया है, नेट सोल 74 पे, व्हाट डू यू सजेस्ट? अच्छा साहब भाई, मैं इस तरह कोई चीज सजेस्ट नहीं करता, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड बताता हूँ, मैं इस तरह नहीं कहता कि आप इसको बाय कर लें या इसको सेल कर लें, मैं आपको उनका एक्सपेक्टेड सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड बताता हूँ। उसकी वजह यह है चीजें काफी पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और कोई भी ऐसी चीज मैं रिकमेंड नहीं करता जो मेरी होल्डिंग में हो, इसके अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं उस पर हमेशा कह देता हूँ मैंने नहीं देखा हुआ। और दूसरी चीज मैं एक हमेशा कहता हूँ कि मेरी इन बातों को सुनकर ट्रेड नहीं करनी, अपनी रिसर्च जो है वो आपने खुद से करनी है। तो ये चीजें आप लोगों ने ना जो जहन में रखनी, क्योंकि किसी भी वक्त अपने एनालिसिस जो है वो गलत हो सकते हैं, इंसान तो वैसे भी अभी स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस हूँ तो ये चीजें जो है वो अपनी गलत हो सकती है। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मैं बात करूँ इसके हवाले से, क्या नाम है यार इसका अपनी आइटम का, पीपीएल की हम बात कर रहे थे, तो पीपीएल के हवाले से अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि जब तक ये 91 से नीचे है, 91-91.50 से नीचे है, एफएफएल नहीं अभी तक डिस्कस नहीं हुआ, थोड़ी देर में कोशिश करता हूँ अभी कर दूं, लेकिन मुझे गालियां मेरे दोस्त ने बड़ी देनी है क्योंकि वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो अच्छा चले, बहरहाल इसको अगर हम बात करें पीपीएल की, तो पीपीएल जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि 74 से लेकर 77-78 के बीच जो है ये भाई साहब अच्छे हैं। और दूसरी साइड पे अगर आप बात करते हैं, मैं इसको यहां क्यों लगा रहा हूं, मैं इसको यहां क्यों नहीं लगाता, ये चीज मेरे अजीज। ओके, तो अगर ओवरऑल हम बात करें पीपीएल की, तो पीपीएल के अंदर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये 74 से लेकर 77 के बीच अच्छा है, 78 के बीच अच्छा है, इसको आप जो है वो इस रीजन के अंदर बाइंग हो सकती है, स्टॉप लॉस प्रीवियस बॉटम का रख लीजिएगा, तो कुछ देर रखना पड़ेगा, अभी इतनी लंबी छलांगे अभी नहीं लेगा, तो इसलिए इसको रखने के बाद आप इसको लेके चल सकते हैं। पीपीएल हो गया, टीआरजी राहिल जुबैर ने पूछा था, यहां कहीं लगा हुआ होगा, आजकल तो हॉट आइटम बना हुआ है मार्केट में, होती है ना समटाइम्स ये फलां चीज बड़ी आजकल हॉट आइटम है, हर मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग इसी का होता है, तो ये भी हमारी फील्ड की आजकल हॉट आइटम बनी हुई है। दोस्त साहब आप जो हैं वो इसके ऊपर काफी ये समझ रहे हैं कि अग्रेसिव हैं टीआरजी के ऊपर कि ये बड़ी अच्छी आइटम है, कुछ लोग इसके बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो कुछ इसके बारे में डिफरेंट है, मेरा ये है कि जो चीज भी आपको मार्केट में सपोर्ट के पास मिले उन ले लो, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस को मिले उन सेल कल को कर लो,
तो आपको अच्छे जो है वो टारगेट्स इसके अंदर मिल सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग 5760 जो है वो इसके पास रेजिस्टेंट रीजन है। ओवरऑल इसने ब्रेकआउट दे के ये अपनी कुरेक्शन भी यहाँ पे पूरी कर ली है और कोशिश कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में जाने की, बट मैं इसके अंदर कंफर्टेबल बाइंग के लिए तबूंगा 5760 से ऊपर क्लोजिंग करता है तो। 5760 से ऊपर क्लोज करेगा 60.30 जा सकता है, 61 तक जा सकता है, बट नीचे जो इसके पास सपोर्टिव रीजन है, खुदा ना करे किसी तरीके से ये उतर गया 54 से नीचे, तो 54 से नीचे वीकली क्लोजिंग करेगा। सर चार्ट पे मैं अभी देखता हूँ, पूछ रहे हैं उस्मान हसन, कह रहे हैं कि चार्ट पे बड़ा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, मतलब सेक्सी लुकिंग। ओके देख लेते हैं कि कितना एक सेक्सी लग रहा है। तो ओवरऑल जो टीआरजी के बारे में मेरा ओपिनियन है वो यही है कि 54-55 से, मतलब 51 से 54 के रीजन के से जब तक ऊपर है ये बुलिश है, पहली बात। दूसरी, 57-60 से ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता ये वोलेटिलिटी शो करेगा। 57-60 से ऊपर क्लोजिंग का मतलब है रुपया 2-3 रुपए पा सकता है, लेकिन आपने इस चीज के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहना है क्योंकि वॉलेटिलिटी इसके अंदर काफी ज्यादा होती है और ये भाई साहब जो है ना वो जब भागना शुरू करते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर तो वो काफी अग्रेसिव मूव होती है इसकी। लेकिन टेक्निकली जो है, टेक्निकली स्पीकिंग बहुत अच्छा मूव कर रहा है। अपनी कुरेक्शंस पूरी करने के बाद, रिट्रेसमेंट अपनी पूरी करने के बाद जो है वो अपर डायरेक्शन में जाता है या बेयरिश डायरेक्शन में आता है। तो अगर इसके हवाले से मैं बात करूं तो इसका ट्रेडिंग जो रीजन था वो पिछले दिनों के अंदर था जब इसकी मूव कंफर्म हो रही थी, तो उस वक्त था। अभी फिर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, 5760 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर एंट्री ले लीजिएगा, या नीचे वेट कर लें 54 बिलो 52 के पास, 53 के पास एंट्री ले लें, 51 का स्टॉप लॉस रख लें, 51 टूटा 47, 47 टूटा 43, इस तरह से भाई साहब मूव करेंगे। अच्छा, FFL का सेक्सी सा चार्ट देखने को कोई दोस्त कह रहे थे। FFL, फौजी फूड। किसको हमारी याद आई? अच्छा जी, चल यहां से ये रीजन, बिल्कुल आपकी बात बजाय जी, चार्ट पे सेक्सी है बट सेक्सी लुक जो है ना वो कुरेक्शन पूरी, इस पूरे यहां से लेके जो ये रैली बनी है इसकी कुरेक्शन भी हो गई है और इस सेक्सी लुक के अंदर एक वेज टाइप भी बन रही है, मतलब ट्रायंगल कह लें प्यार मोहब्बत से, वो भी बन रही है। तो इसलिए जरा थोड़ा सा इसको ना आप केयरफुली देखिएगा इधर मारे, तो इन दोनों लाइन से जिस तरफ भी ऊपर या नीचे क्लोज करता है क्योंकि मार्केट डायरेक्शन के साथ ही मूव करेगा, सपोर्ट पे बैठा है बिल्कुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सपोर्ट पे बैठा है। और ये याद रखिएगा, इस जगह, इस तरह की जगह पे बैठी हुई आइटम बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। समटाइम जो है कुछ दोस्तों आप इन चीजों को इग्नोर मारते हैं, बट इस तरह की जगह के ऊपर आइटम बैठी हुई जो है ना वो बड़ी डेंजरस होती है कि क्योंकि वहां से स्लाइड होने का मतलब ये होता है कि स्टॉप लैंड का चांस भी कोई नहीं लगना। तो देसी सा बंदा हूं इसलिए देसी जबान में मुझे ज्यादा समझ आती है चीजों की। तो ओवरऑल 13 रुपए 39 पैसे, 13 रुपए 40 पैसे से ऊपर भाई साहब बुलिश हैं, बट चीज वही है, यहां से ये लाइन टूटी तो क्या कहते हैं, साधना हटी तो दुर्घटना घटी, तो वही चीज वाली सूरत है इसके अंदर भी। ट्रायंगल के अंदर जिस तरफ का भी ब्रेकआउट होगा छलांग लंबी लगेगी, इसलिए जरा केयरफुल रहिएगा। अब मेरा ख्याल है फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर सर मैंने इसके रिसेंटली फंडामेंटल देखे नहीं इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। सो गाइस, फ्रेंकली स्पीकिंग आज के लिए काफी टाइम हो गया, आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, कोशिश की है कि आप लोगों के सवाल के जवाब भी दे सकूं और दूसरा आप लोगों के साथ डिस्कशन ये भी की है कि अगर आप लोग हमारा नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं जो इस संडे से शुरू हो रहा है शाम 7 से 10 बजे, जूम पे लाइव क्लासेस होंगी और उनके लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं वो उसी वक्त लेक्चर खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएंगे। तो आप अगर हमारा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं एडवांस फंडामेंटल और टेक्निकल उसका, तो सबसे बेस्ट मौका है, 75% ऑफ है, 5000 रुपीज के अंदर ट्रेनिंग सेशन भी मिलेगा, मार्केट मेकर्स की एक्सेस भी मिलेगी, मतलब दो दो काम थ्योरी कल्ले। तो इसलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 03444-5747 पे या admin@noormaya.net पे ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, फी अमानिल्लाह।
अल्लाह हाफिज़।